Hi students, good morning everyone. I am Sunita from Pyramid Classes. Today I am discussing English concept question for your SSC GD and MTS examination. पिलामाने आज आमर इंग्लीश डिस्कसन डे 12 जोटे कि मुझे डिस्कसन करुच्छे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स फ्रेज स्पेलिंग एरर एंड ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन। पिलामाने पिरामिड क्लास तरफ आमर ओडिशा पुलिस सब इन्स्पेक्टर एग्जाम ऑफलाइन रे बैच 25 अक्टोबर ठार स्टार्ट हो सारी। तुम्हें माने जदि या रिगार्डिंग किसी इनफर्मेसन पाइबाक चाहछ ताले एटि जो नंबर दिखाई ए नंबर रे तुम्हें माने कॉल करके डिटेल इनफर्मेसन पाइपर। पिला माने मु प्रत्येक वीक रो 8 एम रो वेडनेसडे एंड संडे एसएससी जीडी पाई क्लास करुच्छे जोटे कि मुझे डिस्कसन करुच्छे वोकैबुलरी और ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन एंड प्रत्येक वीक रो मु 7 पीएम रो मंडे रे ओडिशा पुलिस पाई क्लास करुच्छे और जोटे कि मुझे डिस्कसन करुच्छे आमर कांसेप्ट और रूल बेस्ड क्वेश्चन ग्रामर रो। पिला माने तुम्हें माने जदि मोर यही क्लास सहित मोर प्रीवियस क्लास रो वीडियोस पाइबा को चाहछ ताले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया छे से लिंक को क्लिक कले तुम्हें माने मोर यही क्लास सहित मोर प्रीवियस क्लास रो वीडियोस पाई पाइबो। पिला माने ठीक अछि हम एबे क्वेश्चन सेक्शन को जिबा। देखो हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके हमको कोन पचार छि एटा कोडा होछि करेक्टली स्पेल्ड हेछि। पिला माने फाइंड आउट करो कोटा होछि हमर करेक्टली स्पेल्ड हेछि, बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे फाइंड आउट कर कौटा हूँ आम करेक्टली स्पेल कराई। ओके आमर कौन वर्ड दे इक्विलिब्रियम। ओके देख इक्विलिब्रियम कौटा हूँ आम करेक्टली प्रोनाउंस ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्टली प्रोनाउंस EQUILIBRIUM इक्विलिब्रियम माने कौन सेम वेट रे रहा अदरवाइज सेम पोजिशन रहा। ओके देन ताको कह जाए इक्विलिब्रियम जो मैंने कही ऑप्शन नंबर बी समस्त आंसर हूँ राइट अच्छे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी देख, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी पे हमको कहुच्छे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करने को। देख कौन वर्ड देर डिग्रेशन। ओके फाइंड आउट कर कौटा आमर करेक्टली स्पेल्ड है डिग्रेशन। डिग्रेशन मीन्स कौन डेविएट फ्रॉम द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक रु बाहरी आसवा को कौन कहा जाए डिग्रेशन। देखो हमर कोटा होची करेक्टली स्पेल्ड है ऑप्शन नंबर सी होची हमर करेक्टली स्पेल्ड है DIGRESSION। ओके जो मैंने कही ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। ओके सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके आमर एठरे को वर्ड कौन दे पे वैनिटी। ओके वैनिटी माने कौन एरोगेंस और प्राइड। ओके देन आमर ऑप्शन कौन कौन दे पे देख ह्यूमैनिटी ह्यूमिलिटी प्रीटेंशन एरोगेंस। ओके वैनिटी मीन्स माने कौन एरोगेंट नेचर देखेबा। ओके मीन्स इन द सेंस आमर सेल्फ निजर इम्पोर्टेंस निजे देख माने निजर इम्पोर्टेंस को शो करिबा अदरवाइज ऑफेंसिव वे रे निजर सुपीरियरिटी को रिप्रेजेंट करिबा को कहा जाए वैनिटी। ह्यूमैनिटी माने कौन क्वालिटीज ऑफ द और द कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन रा कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कहा जाए ह्यूमैनिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स माने कौन फ्रीडम फ्रॉम एरोगेंस और प्राइड माने इन जनरली हम्बल नेचर। आमर पचार कौन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पचार वैनिटी हूँ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड कौन हम। देखो वैनिटी मीन्स इन द सेंस एरोगेंस अदरवाइज प्राइड। नेक्स्ट आमर एप्रोप्रिएट फाइंड आउट कर एप्रोप्रिएट ह्यूमिलिटी जोटा कि आमर लेस प्राइड माने एरोगेंट अदरवाइज फ्रीडम फ्रॉम द एरोगेंस और प्राइड। देन ऑप्शन नंबर बी होची आमर राइट आंसर हबो। ओके देखो प्रीटेंशन, प्रीटेंशन माने कौन क्लेम और एलिगेशन ऑफ द डाउटफुल नेचर माने होची निज को होची माने क्लेम इन जनरली क्लेम करेबा क्लेम करबा अदरवाइज आमे कौन करबा डाउटफुल नेचर रो। ओके माने इन जनरली होची एलिगेशन करबा होची डाउटफुल नेचर ताले ताको को आजबो कोन प्रीटेंशन। एरोगेंस माने कोन निजर सेल्फ इंपोर्टेंस को होची दे माने शो अप माने शो करबा अदरवाइज निज को फील करबा निजर सुपीरियरिटी कैरेक्टर को। ओके देन आमर मोस्ट एप्रोप्रिएट कोन हबो वैनिटी रो मोस्ट एप्रोप्रिएट ह्यूमिलिटी जो माने कहिचो ह्यूमिलिटी समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके हमको वर्ड कौन दे हास्टेन। हास्टेन मीन्स इन द सेंस कौन मूविंग क्विकली। ओके मूविंग मूव करवा क्विकली को कौन कहा जाए हास्टेन। आमर कौन कौन ऑप्शन देख डैश डाउडल। ओके डाउडल कैंडिड
प्लेन स्पोकन ओके डैश मीन्स इन द सेंस कौन डैशिंग फोटो इन द सेंस आम कौन अच्छे आट्राक्टिव भल देखा जीवा अदरवाइज एडवेंटरियस ओके देन हूँ डॉडल ओके डॉडल मीन्स इन द सेंस कौन माने स्लो मोशन देन आम हास्टेन मीन्स फास्ट डॉडल मीन्स इन द सेंस स्लो कैंडिड मीन्स कौन ट्रुथफुलनेस अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ माने सत्य कहवा अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्डली कहवा को कैंडिड कहा जाए प्लेन स्पोकन इज सेम आज द कैंडिड प्लेन स्पोकन माने कौन माने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहवा और ट्रुथफुल्ली कहवा हास्टेन मीन्स इन द सेंस फास्ट फास्ट और मोस्ट आप्रोप्रिएट कौन हम डॉडल ओके देन ऑप्शन नंबर बी हूँ राइट ऑप्शन कारण फास्ट मोस्ट आप्रोप्रिएट एंटोनिम हम स्लो ठीक अच्छे जो मैंने कही पे ऑप्शन नंबर बी समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पे आमको कौन पचार समान शब्द पचार देख वर्ड आमर कौन दे एनेक्शन एनेक्शन मीन्स इन द सेंस कौन एडिशन टू द माने एडिशन अदरवाइज अटैचमेंट टू द डॉक्यूमेंट माने किसी जिनस को एडिशन माने अटैच करवा अदरवाइज आम एड करने को कौन कह जाए एनेक्सर अदर देख आमर कौन कौन ऑप्शन दे रिटायरमेंट कमेंसमेंट अटैचमेंट डेवलपमेंट रिटायरमेंट मीन्स कौन विथड्र फ्रम द अकुपेसन और द वर्क प्लेस गोटे सर्टन लिमिट गोटे एज रे इन जनरली आमको कौन कह जाए रिटायरमेंट दि जाए कमेंसमेंट इन द सेन्स कौन कमेंसमेंट हूँ बिगिनिंग माने स्टार्ट करवा आटाचमेंट इज सेम आज द आनेक्शन आनेक्स आटाचमेंट कौन होडिशनाल जिनस को आटाच करवा जाए आनेक्शन अदरवैज आपेडिक्स भी कह जाए ओके डेवलपमेंट डेवलपमेंट मीन्स माने ग्रोथ ओके देन मोस्ट आप्रोप्रिएट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी हूँ आम राइट आंसर मीन्स एनेक्सर दैट मीन्स अटैचमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पे आमको कौन पचार सिनोनिम पचार देख कौन वर्ड अच्छे बैंक्वेट ओके बैंक्वेट मीन्स इन द सेंस कौन फ्रीली गिविंग ओके गिव टू अदर बेनिफिशियरी अन्य क्या किसी जिनस प्रोवाइड करने को कौन कहुए बैंक्वेट देख आमर कौन कौन ऑप्शन अच्छी देख पे गिव डिस्क्लोज स्कोल्ड सराउंड ओके गिव इन द सेंस आम कौन प्रोवाइड करवा अदरवाइज अन्य को देवा ओके डिस्क्लोज माने कौन एक्सपोज द सिक्रेट थिंग्स माने किसी हिडन जिनस अच्छी डिस्क्लोज माने एक्सपोज करने को कौन कह जाए डिस्क्लोज स्कोल्ड मीन्स इन द सेंस कौन स्कोल्ड मीन्स कौन मीन्स क्रिटिसाइज समथिंग माने क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली माने अन्य को क्रिटिसाइज करवा एंग्रीली कह स्कोल्डिंग ओके देन सराउंड मीन्स कौन सराउंड मीन्स इन द सेंस आम एनवायरमेंट अदरवाइज सर्कमस्टेंस देख बैंक्वेट मीन्स कौन अन्य को दबा किसी जिनस तार मोस्ट आप्रोप्रिएट कौन हम आंसर ऑप्शन नंबर ए हूँ आम राइट ऑप्शन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी सिलेक्ट द वर्ड व्हिच इज सेम आज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन एठरे हमको कौन पचार एक पदर कौन हम पे देख कौन सेंटेंस दे रिटेन डिक्लारेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेचर ओके ए रिटेन डिक्लारेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट को सामने जो डॉक्यूमेंट होची डिक्लारेशन करा जाए ताको कौन कहा जाए ओके देख कौन कौन आम ऑप्शन देची एफिडेविट डॉसर भाउचर डॉक्यूमेंट ओके एफिडेविट रिटेन डिक्लारेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दैट इज नोन एज एफिडेविट ओके कौन कह जाए एफिडेविट मैंने डोसार मीन्स कौन कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स इवेंट और सब्जेक्ट गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट उपर किसी डॉक्यूमेंट कलेक्शन करने को कौन कह जाए डोसार भाउचर मीन्स इन द सेंस कौन भाउचर मान हूँ कूपन अदरवाइज टिकेट डॉक्यूमेंट्स मीन्स कौन डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस आम रिकॉर्ड अदरवाइज आमर रिपोर्ट देन आम मोस्ट आप्रोप्रिएट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए रिटेन डिक्लारेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट इज नोन एज एफिडेविट ठीक अच्छे जो मैंने कही ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सिलेक्ट द वर्ड व्हिच इज सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन ए वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज आम जी गोटे फ्रेज फर्स्ट लेटर को नवा ताको कौन कहो ओके ताले देखो आमर पे फाइंड आउट कर कौटा हूँ आमर राइट आंसर अच्छी आमर कौन कौन ऑप्शन अच्छी फर्स्ट देख एक्रोनोमी एब्रिजमेंट आलमैक्स एक्रोनिक्स
ओके एक्रोनिम्स कौन ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन ए फ्रेज इज नोन एज एक्रोनोमी ओके एब्रिजमेंट मीन्स कौन शॉर्टेड अदरवाइज कटिंग ओके कटिंग डाउन द टेक्स्ट माने आम किसी शॉर्टेन कर दबा अदरवाइज कट कर देले ताकु कहा जिबा एब्रिजमेंट ओके एलमैक्स मीन्स इन द सेंस कौन कैलेंडर आउ ईयर बुक ताकु कहा जाए कौन एलमैक्स ओके एक्रोनिज्म मीन्स कौन माने आम रॉन्गली मेंशन करिबा परे माने क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस रे जदि न मेंशन करी कि माने क्रोनोलॉजिकल कोनोसी सिक्वेंस नथिबो ओके प्लेस रॉन्गली इन ए हिस्टोरिकल इवेंट जदि आम हिस्टोरिकल कोनोसी टाइम को अदरवाइज पीरियड को क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस रे रिप्रेजेंट करिबानी ताकु कोन कह जे एक्रोनिज्म एक्रोनोजी ओके देन आमर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए वर्ड कंपोज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इन ए फ्रेज इज नोन एज एक्रोनिमी ओके जो मैंने कही ऑप्शन नंबर ए समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी सी चूज द ऑप्शन व्हिच इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स और फ्रेज हमको कौन दे फ्रेज देख कीप द बॉल रोलिंग कीप द बॉल रोलिंग ओके दैट मीन्स कौन ओके टू कंटिन्यू द वर्क मोर इनफॉर्मेशन टू डू बेटर न्यू स्ट्रैटेजी ओके टू कीप द बॉल रोलिंग दैट मीन्स टू कंटिन्यू द वर्क ओके टू कंटिन्यू द वर्क कौटा हम आम ऑप्शन नंबर ए होची राइट ऑप्शन ठीक अच्छे जो मैंने कही ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी Choose the option which is nearest to the meaning of the given idioms or phrase. Take the wind out of my sails. Okay. Take the wind out of my sails. Okay. कौन कौन option दीजिए अच्छे देखा पिला मैंने made my words and action ineffective, made me depressed, made me think for the future, made me remember my past. Okay. Give the wind out of my sails. That means someone suddenly angry by your words ओके जदि तुमर वर्ड्स रे जने सडनली माने एंग्री हो जाउची ताकु कोन कह जीव टू टेक द विंड आउट ऑफ माय सेल्फ अदरवाइज टू डिस्करेज समवन तुमर कोनसी तुमे एक्सपेक्टेशन करी नथिबो किंतु तुमर वर्ड्स रे अन्य जने सडनली एंग्री हो जीवाकु कोन कह जाए टेक द विंड आउट ऑफ माय सेल्फ ओके देन कोन हबा हमर ऑप्शन नंबर ए होची राइट ऑप्शन मेड माय वर्ड्स एंड एक्शन इन इफेक्टिव अदरवाइज टू डिस्करेज समवन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मैंने देख हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड देन राइट इज एज नो इम्प्रूवमेंट ओके देख पिला मैंने क्वेश्चन कौन अच्छी सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे आमर कौन कौन ऑप्शन देखे देख हैज बीन प्लीज्ड वाज प्लीज्ड नो इम्प्रूवमेंट देख पिला माने आमर कौन अच्छी एस्टरडे अच्छी एस्टरडे मीन्स आमे जनरली आमे कौन लगेबा पास्ट सिंपल इन जनरली देख इज प्लीज्ड इन जनरली आमर प्रेजेंट सिंपल रा प्रोग्रेसिव फॉर्म रे अच्छी तो इन जनरली सेंटेंस होची इन पासिव फॉर्म रे ओके पासिव फॉर्म रे अच्छी इज प्लीज्ड इन द सेंस आमर कोट रे अच्छी प्रेजेंट सिंपल रे अच्छी जेहेतु यस्टरडे अच्छी ताहले आमर वर्ब कौन रहइबो वाज ओके वाज प्लीज्ड हबो काहेकि ना एटा होची आमर पासिव फॉर्मेट रे सेंटेंस लिखा हिची यदि एक्टिव फॉर्मेट रे थांता सेंटेंस तारे ओनली प्लीज्ड हेथांता यदि पासिव रे रहइबो ताहले जनरली आमर सेंटेंस होची कोन हिचबो वाज प्लीज्ड ताहले कोन हबो ऑप्शन नंबर सी होची आमर राइट ऑप्शन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ओके सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट ओके देख पिला माने फाइंड आउट कर ये जो सिलेक्ट जो स्टेटमेंट दिया है से एप्रोप्रिएट अच्छे कि ना यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ विथ न्यू आइडियाज ओके अकस्टम्ड गेट अकस्टम योर सेल्फ टू अकस्टम योर सेल्फ विथ नो इम्प्रूवमेंट पिला माने देख अकस्टम सहित माने फेमिलियर अकस्टम माने इन जनरली होची फेमिलियर तो इठे कौन हबो विथ हबनी इन जनरली अकस्टम टू हेतांता देख जोठे टू अच्छे सेटा होची मोस्ट एप्रोप्रिएट अकस्टम सहित इन जनरली प्रिपोजिशन आमर कौन रहइबो टू देख कोटा हबो हमरो ऑप्शन नंबर बी होची राइट ऑप्शन अकस्टम टू ओके अकस्टम योरसेल्फ टू ठीक अच्छे
नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला माने कौन अच्छी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डैश डिस्क्वालिफाइड आमर कौन कौन ऑप्शन देछि पिला माने देख विल नॉट बी विल नॉट हैव बीन वुड नॉट हैव बीन देख पिला माने फाइंड आउट करो ये सेंटेंस बहुत इजी अच्छे तुम्हें कर देख ये कौन अच्छी हार्ड प्लस वर्ब थ्री मीन्स इन जनरली अच्छे यहाँ कौटे पास्ट परफेक्ट रे पास्ट परफेक्ट है ये आम जनरल फॉर्मेट वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री किंतु यहाँ जदि एक्टिव फॉर्म रे सेंटेंस जदि आम पासिव इन जनरली करदबा तो कौन वुड प्लस नॉट वुड प्लस हाफ प्लस बीन प्लस भर्ती ठीक अच्छे ताल जो आम वुड प्लस हाफ प्लस बीन प्लस भर्ती जेहेतु ये अच्छी कौन भर् थ्री पैटर्न अच्छी तो ये आम मोस्ट आप्रोप्रिएट आंसर कौटा हम वुड नॉट जेहेतु सेंटेंस नॉट रे अच्छी तो वुड नॉट हैव बीन ओके देन कौटा आम ऑप्शन नंबर डी हूँ आम राइट ऑप्शन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इन द क्वेश्चन गिवन बिलो फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज नो एरर ओके कौन देखिए देख सेंटेंस बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 इयर्स आम कौन कौन देखिए ऑप्शन देख बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 इयर्स नो ईयर ओके देन आम कौटे ऑप्शन नंबर 8 रे आमर एरर अच्छी देख आई हैव बीन हबनी बाय द नेक्स्ट ईयर माने नेक्स्ट इन द सेंस फ्यूचर तो ये हम आई सल ओके आई सल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर होता सेंटेन्सटा इन जनरली फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव ओके फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे रहिबा दरकार जेहेतु सेंटेन्स अच्छी बाय मे नेक्स्ट ईयर माने नेक्स्ट ईयर को हो जाए 20 इयर्स काम करिबार तो से आई अच्छी तो आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 इयर जोटा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी रे होची एरर थिला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स ओके डैश यू लीव नाउ यू विल बी लेट हमर कौन कौन ऑप्शन देछि पिला माने देख अंटिल टिल अनलेस ऑल्दो पिला माने देख इन जनरली आमे जो वर्ड्स यूज करचे इफ ओके इफ सहित जदि प्रेजेंट सिंपल रहिला ताहले रिजल्टेंट क्लॉज रे आमर प्रेजेंट सिंपल ओके देन देख जो सेंटेंस रे अछि इ प्लस प्रेजेंट सिंपल रहिले रिजल्टेंट क्लॉज रे आमे फ्यूचर सिंपल भी रखि पारिबा देख ई सेंटेंस रे कोन अछि अनलेस 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 वर्ड आम यूज करवा इफ नॉट पाई अनलेस वर्ड जो यूज करा जाए सेटा होची का पाई यूज करा जाए इफ नॉट पाई ठीक अच्छे देन देखो अनलेस यू लीव नाउ यू विल बी लेट माने एटा जो इफ कंडीशन रो इफ नॉट पाई आम यूज करूचे कौन अनलेस तो यार ये कौन मोस्ट एप्रोप्रिएट हम अनलेस अनलेस यू लीव नाउ मीन्स इन द सेंस एटा प्रेजेंट सिंपल रे अच्छी माने कंडीशनल क्लॉज रे इथरे कोन रहइबो विल बी इन द सेंस यू विल बी मींस इन द सेंस फ्यूचर सिंपल ओनली इथरे हमर कोन अछि नॉट अनलेस यू लीव नाउ जदी तुम एबे जीव नाही ताले वी विल बी लेट ओके यू विल मान ताहले तुम्हारा लेट हेजबो त सेही केसेस रे हमें कोन पुट करबा इफ नॉट केसेस रे हमें पुट करबा अनलेस व्हाट ओके देन कोटा हमर ऑप्शन नंबर सी होची हमर राइट ऑप्शन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।